हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि कलरफुल बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं, या कलरफुल लाइट बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं, या फिर हम डिस्को लाइट कैसे बनाते हैं इसमें इस इमेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेन टूल लेते हैं और पेन टूल से काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सिलेक्शन लेते हैं, ये पार्ट सेलेक्ट करके कंट्रोल एंटर, ओके। फिर कलर लेते हैं, कलर पैलेट से आपको जो भी मन हो आप ले सकते हैं। फिर नई लेयर पे हम कलर फिल करते हैं, आल्ट प्लस बैक स्पेस है। इस तरीके से हम जितनी भी बार कलर लेंगे वो नई लेयर पे ही लेंगे और अपने अकॉर्डिंग कलर को कितना कलर हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम जैसा कि अभी एडजस्ट किया उस टाइप से कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रहे हमेशा न्यू लेयर पे नया कलर, ओके। इसको हम थोड़ा येलो टाइप का ले लेते हैं। आल्ट कंट्रोल एंटर आल्ट प्लस बैक स्पेस, ओके। इस तरीके से हम पूरी इमेज पे सेलेक्शन कर करके कलर अपना पूरा फिल कर देते हैं। फिर सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप बन जाता है, फिर कंट्रोल जे, फिर कंट्रोल ई करके एक एक लेयर बन जाती है। फिर हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई होगा या फिर लाइनर होगा, सॉफ्ट लाइट होगा क्या, ये सब करके देख लेते हैं। जो हमें बेटर लगता है वो हम लगा देते हैं। इसमें हम लगाने वाले हैं लाइनर बर्न मोड पे। जी हाँ, लाइनर बर्न मोड पे लग गया है। अब हम जाते हैं फिल्टर में, यहाँ से ये जो लाइन आ रही है इसको ब्लर कर देंगे। ये देखिए ब्लर हो गई, और फिर हम देखेंगे कितना ब्लर करना है हमको अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको अच्छा लगे। अपने अकॉर्डिंग मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके कर देते हैं, इसको फिल्टर में जाते हैं। और भी इफेक्ट अगर डालना चाहें या ऐड नॉइस करना चाहें तो ऐड नॉइस कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये देखिए इसका कितना अमाउंट है, जो भी है ओके कर देते हैं। ये इतना सा अच्छी लग रही है इमेज, ओके। फिर हम फिल्टर में जाके जो ट्विल होता है उसको कर देते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है उतना इफेक्ट, हम कंट्रोल जेड से वापस आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे कोई और वेव में जाके, अब इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। ट्रायंगल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, जो भी चाहिए आपको, जो भी कंफर्ट लगे आप अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके कर देते हैं। इस तरीके से हम एक कलरफुल बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।